गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज जीएससी सेकंड ईयर में आपको मैं एल्किन नाइट्राल और नाइट्रो एल्केन में अंतर बताऊंगी। ओके, तो एल्किन नाइट्राल और नाइट्रो एल्केन में अंतर के लिए सबसे पहले आपको एक ऐसा चार्ट बनाए जिसमें एक तरफ गुण लिखेंगे, एक तरफ एल्किन नाइट्राल और एक तरफ नाइट्रो एल्केन लिखेंगे। सबसे पहले क्वथनांक, क्वथनांक तो आप जानते हैं जब कोई भी द्रव गिजरे टेम्परेचर पर उबलता या गर्म होता है वो उसका क्वथनांक कहलाता है। तो देखिए एल्किन नाइट्राल का क्वथनांक कम होता है, जैसे एथिल नाइट्राल, एथिल नाइट्राल जो होता है 117 सेल्सियस पर ये हीट या गर्म होने लगता है, जबकि नाइट्रो एल्केन का क्वथनांक अधिक होता है और नाइट्रो एथेन 115 सेल्सियस पर क्वथनांक के अकॉर्डिंग ये गर्म होता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करने के जो एल्किन नाइट्राल जो होता है वो एस्टर होता है, एस्टर होने के कारण ये जल अपघटित हो जाता है और एल्कोहल देता है। मतलब जब एस्टर के गुण है इसमें तो एस्टर होने के साथ पानी के साथ क्रिया करने से जल अपघटित हो जाएगा। अपघटन होने का ऑफिशियल सी बात है कि OH होगा, तो OH मिलेगा तो एल्कोहल देगा। जैसे आर ओ बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराए तो आर ओ एच प्राप्त हुआ। ओके, तो देखिए आर ओ एच जो प्राप्त हुआ अपने को, आर ओ एच प्राप्त होता है, तो जैसे देखिए आर ओ एच है तो आर की जगह अपन क्या रख सकते हैं, सी टू एच फाइव रख सकते हैं। ओके, देन अपन ने जब क्रिया कराई तो अपन को किस फॉर्म में प्राप्त हो गया, एथिल एल्कोहल प्राप्त हो गया, सी टू एच फाइव ओ एच प्राप्त हो जाता है। जैसे आप मैंने यहाँ पे बनाया भी, जैसे आर की जगह मैंने क्या रख दिया, सी टू एच फाइव ओ एच रख दिया, ये देखिए फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड रख दिया और ये क्रिया कराई तो सी टू एच फाइव ओ एच मिल गया। ठीक है, तो जब अपन इसकी क्रिया किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं और यहाँ भी क्या है इसमें सी टू एच फाइव, आर की जगह सी टू एच फाइव है और बाकी अपन ने क्या ले लिया है, इसमें क्या लिया, एल्किन नाइट्राल लिया है। जब एल्किन का मतलब ही आप कि इसमें कोई भी एल्किन मूलक जो नाइट्राल के साथ जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराई तो अपन को ये प्राप्त हुआ। अब सेकेंड देखते हैं धातु और इसका पट, इसके देखो नाइट्रो एल्केन जो होता है, नाइट्रोएल में चलावयता पाई जाती, चलावयता ऐसी समावयता आइसोमर कहलाते हैं जिसमें कि क्या होते हैं मोटिवेशन मोटेड होते हैं, एक स्थान दूसरे स्थान पर ये इसके जो क्रियात्मक समूह है जुड़ते रहते हैं। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया नाइट्रो एल्केन के साथ कराते हैं तो प्राथमिक और द्वितीयक क्या प्राप्त होते हैं, नाइट्रो एल्केन प्राप्त होते हैं जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लवण बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया जब एल्किन नाइट्राइल की कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है अपने को, अपने को कोई भी एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा क्योंकि एस्टर होता है। जब नाइट्रो एल्केन की क्रिया कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो चलावय ही होने के कारण प्राथमिक द्वितीयक क्या देता है, नाइट्रो एल्केन और सोडियम के साथ लवण बनाता है। अब अपन आते हैं धातु अम्ल के साथ, तो धातु मतलब कोई भी धातु, स्ट्रॉन्शियम ले लिया प्लस अम्ल में क्या ले लिया, HCl ले लिया। तो जब तो क्या प्राप्त होता है, जब एल्किन नाइट्राइल की धातु और अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है तो एल्कोहल हाइड्रोक्सी एमीन एल्कोहल और अमोनिया बनाता है। तो देखो जब धातु अम्ल की अपन धातु मींस स्ट्रॉन्शियम, अम्ल मींस HCl की क्रिया किसके साथ कराई अपन ने, एल्किन नाइट्राल के साथ कराई, तो एल्किन नाइट्राल के साथ देखिए यहाँ पे क्रिया हो रही है तो क्या प्राप्त हो जाता है अपन को, अपचयन मींस साथ में हाइड्रोजन के अणु भी जुड़ेगा तो अपन को क्या प्राप्त होगा, एल्कोहल हाइड्रोक्सी एमीन प्राप्त होगा और अमोनिया प्राप्त होता है। देखिए C2H5ONO प्लस चार हाइड्रोजन के और स्ट्रॉन्शियम और HCl के साथ जब क्रिया कराई तो अपन को क्या प्राप्त हो गया, एथिल एल्कोहल प्राप्त हुआ और NH2OH बाहर निकल जाता है। ओके, दैट्स क्लियर हुआ। तो कभी कभी शॉर्ट में भी पूछ सकता है कि धातु अम्ल की क्रिया या धातु अम्ल का जब अपचयन किया जाता है एल्किन नाइट्राल के साथ तो क्या प्राप्त होता है, तो आपको याद रखना होगा कि इसमें एल्कोहल प्राप्त हो सकता है, एल्कोहल हाइड्रोक्सी एमीन प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है और अमोनिया प्राप्त होता है। अब देखते हैं नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया, एल्किन नाइट्राल की नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराने में कोई भी रिएक्शन नहीं होता बट नाइट्रो एल्केन के साथ, अभी देखिए धातु अम्ल में अपन आए तो अपचयन इसके साथ तो हो गया एल्किन नाइट्राल का, अब एल्किन नाइट्राल के साथ जब नाइट्रो एल्केन की क्रिया, मतलब यहाँ पे धातु अम्ल की क्रिया जब किसके साथ कराओगे, नाइट्रो एल्केन के साथ कराओगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा। ठीक है, देन प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा और देखिए ये देखिए क्रिया कराने में आर एन एच टू, आर वन का मतलब क्या हुआ, आर वन का मतलब प्राथमिक, आर टू का द्वितीयक, आर थ्री का मतलब तीन थर्ड प्राथमिक है ना, तो आर वन प्राप्त हुआ अपन को। तो सीधे समझ में आ गया आपको कि जब अपन धातु अम्ल का अपचयन एल्किन नाइट्राल के साथ करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल अमोनिया और एल्कोहल हाइड्रोक्सी एमीन प्राप्त होता है, जबकि नाइट्रो एल्केन के साथ क्रिया कराने में क्या प्राप्त होता है अपन को, प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। ओके, देन अपन आ जाते हैं हम नाइट्रस अम्ल के साथ, तो नाइट्रस अम्ल के साथ एल्किन नाइट्राइल कोई क्रिया नहीं करता जबकि नाइट्रो एल्केन प्राथमिक और द्वितीयक नाइट्रो एल्केन देता है।
मतलब जब नाइट्रो एल्केन के साथ आप नाइट्रस अम्ल की क्रिया कराओगे तो क्या प्राप्त होगा अपन को, अपन को प्राप्त होगा प्राथमिक एमीन और द्वितीयक नाइट्रो एल्केन। तो प्राथमिक नाइट्रो एल्केन किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है, और द्वितीयक नाइट्रो एल्केन किस रंग का प्राप्त होगा, नीले रंग का प्राप्त होता है। अभी अपन आ जाते हैं आगे देखेंगे आप, तो ये क्लियर इतना हो गया कि अगर अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाइट्रस अम्ल की क्रिया कराइए एल्किन नाइट्राइल के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। जब नाइट्रो एल्केन के साथ अपन क्रिया कराते हैं किसकी, एच एन ओ टू की क्रिया जब कराओगे आप, तो प्राथमिक और द्वितीयक क्या प्राप्त होंगे, नाइट्रो एल्केन होते हैं। देन इसके बाद अपन आते हैं अम्ल के साथ जल, अम्ल और जल के साथ क्रिया कराने में एल्किन नाइट्राइल एल्कोहल देता है, जबकि जबकि नाइट्रो एल्केन प्राथमिक नाइट्रो एल्केन कार्बोक्सिलिक अम्ल और हाइड्रोक्सिलिक एमीन देता है। ये भी आपको याद रखना होगा कि अम्ल के साथ जब जल की क्रिया कराएंगे तो एल्किन नाइट्राइल क्या देगा, एल्कोहल, जबकि नाइट्रो एल्केन क्या के देगा, प्राथमिक नाइट्रो एल्केन और कार्बोक्सिलिक अम्ल और हाइड्रोक्सिलिक एमीन देता है। देन अपन आते हैं एल्डिहाइड, एल्किन नाइट्राइल एल्डिहाइड के साथ कोई क्रिया नहीं करता, जबकि नाइट्रो एल्केन एल्डिहाइड के साथ क्रिया करके प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक नाइट्रो एल्केन और एल्डोल संघन के द्वारा ये प्राप्त होता है। तो अगर पेपर में आपको आता है तो आपको इसका क्वथनांक याद रखना होगा, 70 सेल्सियस होता है, जबकि इसका 115 सेल्सियस होता है। सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्किन नाइट्राइल एस्टर होने के कारण क्या देता है, एल्कोहल देता है। धातु और अम्ल के साथ क्रिया कराने में ये क्या देता है, एल्कोहल, हाइड्रोक्सी एमीन, एल्कोहल और अमोनिया बनाता है। ठीक है, नाइट्रस के साथ कोई क्रिया नहीं करता, अम्ल के साथ एल्कोहल देता है और एल्डिहाइड के साथ भी कोई क्रिया नहीं करता, जबकि नाइट्रो एल्केन जो होता है चला बहता होने के कारण सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो प्राथमिक द्वितीयक नाइट्रो एल्केन के लवण बनाता है। धातु और अम्ल के साथ क्रिया करने में प्राथमिक एमीन देता है। देन इसके बाद नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराने में प्राथमिक द्वितीयक नाइट्रो एल्केन देगा और अम्ल के साथ क्रिया कराने में प्राथमिक नाइट्रो कार्बोक्सिलिक अम्ल और हाइड्रोक्सिलिक एमीन देता है, और एल्डिहाइड में भी यही क्रिया होती है। थैंक यू।